यहाँ नशा इतना बढ़ चुका है, ठीक है जी, काम कम है नशा ज़्यादा है, नशा बंद हो ही नहीं सकता। सरकारें की जो तीन बिजनेस है, गैंगस्टर पालना, नशा बेचना, ठीक है, और एक चलान काटना। जी नशा तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ मर्जी जिस साइड मर्जी चलती है नशा शरेआम बिकता है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं लुधियाना में आया हूं, जो पंजाब का एक बहुत ही समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों मैं यहां जानना चाहता हूं यहां के लोगों से कि जो भगवंत मान की सरकार है, यहां पर आप पार्टी का सरकार है, केजरीवाल है यहां के मुख्य, तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि केजरीवाल के सरकार से यहां के लोग कितने संतुष्ट है, क्या जो केजरीवाल जितने वादे किए थे क्या पूरा किया उन्होंने? सर आपका गुड नेम? मेरा नाम हरीक सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो भगवंत मान सरकार या केजरीवाल साहब जो इलेक्शन से पहले आप लोगों से प्रॉमिस किए, जिस आधार पर आपसे वोट लिए, पूर्ण बहुमत में आप लोगों ने उनको जिताया भी, क्या वो सारी चीज़ें आपको मिल रहा है या सिर्फ बातों बातों वाली बात रह गई? जी एक और ना बिलिया बिल माफ हुआ गरीबों को, बाकी किसी को नहीं है फायदा, ना कोई इन्होंने 1100 रुपया 1000 रुपया देना है लड़कियों को, वो नहीं दिया, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई कुछ नहीं है, वैसे ही बातें ही बातें हैं, खाली हैं बस। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, या लड़कियों की सुरक्षा संबंधित बातें हो गई, क्या इसमें कोई परिवर्तन पहले से अब में नहीं आया? जो अस्पताल खोले हैं उसमें डॉक्टर ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, खाना पूरी है बस, दिखावा ही है, कोई बात नहीं है, कुछ काम करके कुछ नहीं है, कोई लीडर कोई कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है, नाम ही है, बातें ही बातें हैं लीडरों की, और कुछ नहीं काम करते। नहीं जैसे कि यूपी के अंदर क्या है कि जब से महाराज जी आए हैं वहाँ पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, क्या ऐसा जब से भगवंत मान साहब आए तब से कोई बदलाव आपको नजर नहीं आया? देखो योगी साहब ने बहुत कुछ किया बिहार में, सड़कें बनी, सब कुछ बना, बहुत कुछ डेवलपमेंट बहुत हुई है, बहुत, पर इधर कुछ नहीं है, सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, कोई गल बात नहीं है, पानी इतना आया है, कोई बात लीडर कोई बात ही नहीं, गरीबों की सुनता ही नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, पानी पानी आया हुआ सारा पंजाब में, कुछ नहीं है, दिखावा करते हैं बस, फोटो खिंचाते हैं घर में चले जाते हैं, कोई बात कर कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए जैसे बाढ़ आई है, बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, क्या भगवंत मान सरकार इस पर फेल हो है, बिल्कुल उस पर पूरा खड़ा नहीं कर रही है? ना ना कुछ नहीं काम करके, कुछ नहीं है, लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, ना कुछ खाने को देते हैं, ना कुछ देता सुता कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे ही बातें बातें हैं, ना भी है बस, दिखावा करके चले जाते हैं, फोटो खिंचा कर चले जाते, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए जैसे यूपी के अंदर था गुंडे बहुत थे, आते जाते बेटी बहनों के साथ बदतमीजी करते थे, आज वहाँ नामो निशान मुड़ गया। मेरी बात सुनिए, वहाँ पर योगी साहब ने बहुत कुछ किया, गुंडा राज भी खत्म कर दिया, जो लीडर गैंग थे वो खत्म कर दिया, इधर पंजाब में कोई गैंग नहीं खत्म हुआ, लोगों की जनानियों की चैनियाँ ले रही हैं, कुछ कोई कांटे ला कर लेके जा रहा है, चिट्टा इतना बिक रहा है, अगर चिट्टा खत्म कर देंगे कुछ नहीं हुआ, मल्ले मल्ले में लीडर चिट्टा बिक रहा है, कुछ बातें ही बातें हैं, कुछ नहीं हुआ, यही है बस, पंजाब का रब रखा है, कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहन जी आपका गुड नेम? दिव्या। थोड़ा तेज बोलिए। दिव्या। दिव्या जी ये बताएं, जो इलेक्शन से पहले आप पार्टी केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था, जो वायदे किए थे फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए, क्या आप लोगों को मिल रहा है या सिर्फ कागजी कार्रवाई या अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गया? पंजाबी हिंदी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें मिली हैं। इतना तेज नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी सब चीजें मिल रही हैं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बनाने का क्या फायदा है? रेलवे स्टेशन तो अच्छा बना है, बाईपास में जाकर देखो बंदे कैसे लेटे पड़े हैं नीचे, उनके लिए कोई है ही नहीं कुछ है। अच्छा ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा था कि बिजली पानी ये हमने फ्री गरीबों को देना है, जैसे कि दिल्ली में कुछ हद तक दे भी रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल है या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, क्या जो इन्होंने प्रॉमिस किया था फ्री का, क्या यहाँ के गरीब खास करके गरीब लोगों को ये चीजें मिल रही है? क्योंकि अमीर तो वैसे ही अपना कर लेंगे, लेकिन मेन तो प्रॉब्लम गरीबों को आती है ना, कि बच्चे एजुकेशन जब अच्छा लेंगे तभी तो समाज में आगे जाके कुछ करवाएंगे, नहीं तो अगर अनपढ़ कमा रहेंगे तो क्या करेंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने दिया कुछ ऐसा?
बिजली फ्री है पर रेंट तो फिर भी बिजली का बिल तो आ रहा है, हम तो पे कर रहे हैं क्योंकि रेंट में रह रहे हैं, रेंट वाले तो ले रहे हैं बिजली के बिल, वो पता नहीं अब हमारा है कि उनका आ रहा है, कैसे आ रहा है वो तो ले रहे हैं, हम तो पे कर रहे हैं, इतना पता है 10,000 आ रहा है हम पे कर रहे हैं। तो बिजली अगर फ्री है तो उसमें आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा? मिल रहा है, मतलब पहले जैसे ज्यादा आता था, मतलब एक घर का एक या रूम का 10,000 कल्ले ही आ रहा था, अब तो थोड़ा कम है बट फिर भी पे तो करना पड़ रहा है ना। अच्छा, जो आपको पानी का था या एजुकेशन या जो जैसे कि हॉस्पिटलों का हॉस्पिटलिटी जो है, क्या उसमें कुछ पहले से और अब में कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है जैसे कुछ पहले से? हॉस्पिटल तो नहीं पर पानी वगैरह तो सही है, पानी ठीक है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। इंद्रप्रीत साहब ये बताएं कि जो आज के डेट में भगवंत मान साहब की सरकार है, जो उन्होंने चुनाव से पहले आपसे वायदे किए थे, क्या सारी वायदे आपके साथ उन्होंने पूरा किया या सिर्फ कानूनी या सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गए? बादशाह के अभी इसको टाइम कितना होगा, अभी इसको अभी उनको भी थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए। अभी पहले उन्होंने कहा था कि 600 यूनिट बिजली फ्री, वो तो उन्होंने अब काम कर दिया, बाकी अभी उनको टाइम दीजिए, देखो क्या करते हैं। ये जो आतंकवाद था जो भी है, जैसे टेररिस्ट जो भी था, ये तो पहले काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पुरानी सरकारों के वक्त भी थे ये, अभी उसको दीजिए भी टाइम, मौका दीजिए, अभी देखिए क्या करता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पहले जैसे अकाली सरकार थी उनकी, क्या नाम है, बादल साहब की, उसके बाद कांग्रेस आई, उसके बाद आप पार्टी आई, क्या तीनों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी बेहतर है या उन लोगों के बराबर का ही ऐसे मिला जुला काम कर रहे हैं ये लोग भी? ये उनके जैसे ही हैं, उनसे बेटर नहीं है ये, उनसे थोड़ा सा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था कैसे किसी को संभालना है किसी को नहीं संभालना। अब ये नए हैं, ये बस जैसे जैसे इनका टाइम निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा ये सरकार क्या, एक साल हुआ है देखो आगे क्या कुछ करते हैं लोग। क्या वो आपको फैसिलिटी जो बिजली का, स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, या जो बहुत तरह से नशा मुक्ति का उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे, वो उसमें कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिला? गली गली में तो नशा बिक रहा है, जगह जगह के ठेके खोल दिए लाने तब जो फिर और बोले क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे बिजली फ्री या स्वास्थ्य का जो भी एजुकेशन का, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा? बिजली फ्री का थोड़ी सी हुई है, उसका थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिजली में। अच्छा, बाकी कोई काम नहीं अच्छा किया जो भी, हाँ सारे भगवान को मामले बहुत बढ़िया काम कर दिया। अच्छा नशा के लिए जो है बता रहे हैं आप, क्या नशा यहाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई नशा थोड़ी? नशा गली गली में नशा बिक रहा, नौजवानों की मौत हो रही है। अच्छा, मतलब पहले से मतलब हालात जो है काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं आपको? वैसे के वैसे ही, जो पहली सरकार छोड़ गई थी वैसे के वैसे ही। सर आपका गुड नेम? मनदीप सिंह जी। सिंह साहब ये बताएं कि जो इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने आपसे वायदे किए थे, क्या वायदे वो पूरे हुए या सिर्फ बातों की बात हो रह गई? ये वादे पूरे होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, धीरे धीरे सभी वादे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी एक साल हुआ, डेढ़ साल, तो धीरे धीरे हो गए। अच्छा अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों ने अभी अभी हमसे बताया है, कई लोगों ने इस बात में जिक्र किया है कि नशा खोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या पहले से जो भगवंत मान साहब ने कहा था कि नशा के लिए हमने काम करना, क्योंकि इसमें युवाओं का ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर नशा में युवा लिप्त हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, तो देश के लिए कौन सोचेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नशा बहुत है जी बिहार में, नशे के बारे में अभी उसने कोई इतना कोई खास काम नहीं किया, लेकिन उसके बारे में करना चाहिए। तो आपको लग रहा है जैसे एजुकेशन या स्वास्थ्य संबंधित जो गरीबों से रिलेटेड है, कि जैसे यूपी में मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बहुत सुधार नजर आ रहा है, वहाँ की पब्लिक जो है कह रही है कि महाराज जी ही दोबारा आना चाहिए, दोबारा उन्होंने चुना भी है, उसके बारे में आपका क्या कहना? उसके दैन आपको लग रहा है क्या भगवंत मान साहब सक्सेस हो रहे हैं या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई ही कर रहे हैं लोग? नहीं, अभी करेंगे धीरे धीरे काम जी, काम तो करने को टाइम लगता है। अच्छा, पहले सरकारें थी उन्होंने जो काम किया उनसे बढ़िया काम। बढ़िया। सर आपका शुभ नेम? बलवीर सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो भगवंत मान साहब या केजरीवाल जी इलेक्शन से पहले आप लोगों से वायदे किए थे, क्या वायदे पूरा हुआ? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक आपको कोई उस वायदे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या किया? नहीं, जिनको नौकरी चाहिए थी नौकरी मिल गई उनको? क्या पहले नशा बंद हो गया? अच्छा हाँ, नशा का भी कुछ किया? बीएचपी के कुछ किया उन्होंने? पहले तो यही नहीं पता कि पंजाब का मुख्यमंत्री है कौन,
केजरीवाल है, राघव चड्ढा है या भगवंत मान है, पहले ये क्लियर करो। सर आपको अभी तक मतलब आपको लग रहा है कि भगवंत मान साहब क्लियर अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके पूरा पावर ही नहीं जैसे यूपी में योगी साहब का है? अरे किया होगा तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए साहब कि जैसे कि लोग हमसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं नशा का, अगर नशा में क्या नशा के बारे में आप बताएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा नशाखोरी है क्या? नशा बंद हो ही नहीं सकता। सरकारें जो जो तीन बिजनेस है, गैंगस्टर पालना, नशा बेचना, ठीक है, और एक चलान काटना। हमारे दिहाड़ी 500 रुपये बनती है, वो 500 रुपये एक मिनट में लेके जब चले जाते हैं पुलिस वाले, वो 500 रुपये पहले चलान के ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि इधर यूपी में, मैं नोएडा से आया हूँ, यूपी में तो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, तो नाम सुनते सब लोग भागने लग जाते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया होगा, हमने नहीं, हमें उनका भी नहीं पता, लेकिन हमें तो यहाँ का चाहिए। सर आपका गुड नेम? गुरजोत सिंह। सिंह साहब ये बताएं, आप बड़े रोबदार हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कि आप ये बताएं कि जो भगवंत मान साहब इलेक्शन से पहले जो आप लोगों से प्रॉमिस किए थे, क्या वो प्रॉमिस पूरा हुआ है, सिर्फ बातों में बात खत्म हो गई? सर बातें ज़्यादा हैं, काम कम है। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। अच्छा, हमारे घर की तरफ आप गुबरी एरिया में आओ तो आपको सड़कों के हालात थोड़ा चल जाएंगे। 1.5 साल हो गया है सरकार बने को, एक एक 1.5 फीट के गड्ढे उधर खड़े हुए हैं और एक बार भी कोई बंदा उधर आया नहीं है, ना कोई MLA आया है, ना कोई और मिनिस्टर आया है, जो जिन्होंने हमारी साथ ली है। कोई एक्सीडेंट होता है तो बजा सकता है, कोई साथ नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, जो बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, नशा मुक्ति, ये सारी जो गंभीर समस्याएं हैं, खास करके नशा के लिए हमसे लोगों की बड़ी शिकायत है, क्या इसके बारे में भगवंत मान सरकार कोई काम कर रही है? नशे में बढ़ोतरी ही हो रही है, कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो ये वादे करते हैं कि हम नशा खत्म कर देंगे, वो पिछली सरकारें भी बहुत आई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, ये सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं, वोट लेने के खातिर बोलते हैं, हम नशा खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है। अच्छा, लेवल पे कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, इनसे ग्राउंड लेवल पर कुछ हो नहीं रहा, इसकी अपेक्षा यूपी के अंदर जो था बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी थी, लड़कियों के साथ, बेटियों बहनों के साथ छेड़छाड़ था, नशा था, बड़ी समस्याएं थी। आज वहाँ पर सारा समस्या हल हो गई 9 साल के अंदर, 9 साल के 6-7 साल के अंदर। तो क्या पंजाब के अंदर ऐसा क्यों नहीं, भगवंत मान सरकार क्या कमज़ोर सरकार है? काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो जाता है। एक बार डंडा जड़ाए गवर्नमेंट पर, पुलिस वालों पर, तो काम कैसे नहीं होगा? काम करने का तरीका होता है, अगर बातों में ही करना है तो बातों से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, वहाँ तो ऐसा हालात है कि 12 बजे रात में भी अगर कोई जवान लड़की निकलती है, मैंने बहुत सारी लड़कियों से सर्वे किया, मैं आपको अपना न्यूज़ दिखा सकता हूँ, वो कहते हैं कि हम इतनी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि महाराज जी का शासन बहुत ही अच्छा है, लेकिन भगवंत मान साहब के बारे में इस तरह की कोई बातें करता नहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि काम पूरे अच्छी तरह हो नहीं रहे? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। तो क्या आपको लग रहा है कि अगला जो इलेक्शन आएगा 2.5-3 साल बाद, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा इनका आने का कोई चांस बनता है? लोगों की राय के हिसाब से नहीं बनेगा सर, क्योंकि काम जैसे वो उन्होंने वादे किए थे वैसे नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ जो बिजली का है उसका क्या है, वो तो सभी को पहले भी फ्री था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मुद्दा है जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आप सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सुखविंदर पाल सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो मान साहब इलेक्शन से पहले जो आप लोगों से वायदा किए थे, क्या वो पूरा हुआ या बिल्कुल ही नहीं? सर उसमें से कई जो उन्होंने वादे किए थे वो जैसे पूरे हुए हैं, जैसे मैं बिजली बोला था फ्री करेंगे यूनिट, 300 यूनिट वो फ्री हुए हैं। अच्छा, और क्राइम पर बहुत ज़्यादा हो गया हमारे इधर, क्राइम पे कंट्रोल नहीं है और शहर के जो हालात है वो अच्छे नहीं है। अच्छा, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और जो जैसे सड़कें हैं वो भी अच्छी नहीं है, बुरा हाल है, बुरा हाल है, हाईवे हर जगह बुरा हाल है। ये कह रहे हैं हम टोल बंद कर रहे हैं, वो टोल तो पहले से ही बंद होने वाले हैं, उनका टाइम पूरा हो रहा है, नए टोल लगा रहे हैं, जो टोल बंद होने चाहिए वो टोल बंद हो नहीं रहे, जिनका टाइम पूरा हो गया वो बंद हो रहे हैं, कई जगह पर नए लगाने की सोच रहे हैं, ये भी नए टोल लगाने हैं। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो हमको कंप्लेन मिल रही है नशा की मिल रही है, कि यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नशा तो बहुत ज़्यादा है,
जहाँ मर्जी जिस साइड मर्जी चलती है नशा शरेआम बिकता, कोई रोकटोक नहीं। जैसे आप फ़ोन करोगे तो नशा पे घर भी पहुँच जाएगा। इतना बुरा हाल है यहाँ पर। मतलब पूरा युवा समाज जो है नशा में एकदम मतलब दिन पर दिन फंसते चले जा रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। जितना नशा हमारे इधर है शायद ही कहीं पर हो। बुरा हाल है नशे में भी यहाँ पर। तो आपको लग रहा है क्या मान सरकार बिल्कुल फेल हो रही है अपने? नहीं, फेल तो नहीं हो रही। अभी इनको टाइम अभी कम हुआ, 1.5 साल अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी इनका टाइम 3.5 साल पड़ा है, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा इनका। अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो दोबारा आएंगे, अगर इन्होंने सुधार किया तो, अगर नहीं आएगा तो सरकार बदल जाएगी। ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो शिकायत आ रही है नशा का, तो क्या आपको लग रहा है कि नशा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया? हाँ, पहले से ज़्यादा है। अच्छा, कोई रोकथाम नहीं हो रही। अच्छा। सिर्फ जो बातों लंगर बना रहे हैं वो कोई बात नहीं। नशाखोरी पर बड़ी शिकायतें आ रही, इसके बारे में आपका क्या करना? हर जो वादे हैं वो करीब करीब पूरे हो जाएंगे। अभी 4 साल और हैं तो सारे वादे पूरे करेंगे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नीरज कुमार है जी। नीरज साहब, ये बताएं कि जो इलेक्शन में आप लोगों ने इतना वोट दिया आप पार्टी को, बहुत सारे वायदे उन्होंने किया, क्या आपको सारी सुविधा उपलब्ध हुई या नहीं हुई जो उन्होंने कहा था? पहली बात तो हमारा वोटर कार्ड ही नहीं बना। अच्छा, ठीक है जी। वोटर कार्ड बनवाने जाते हैं, कोई वोटर कार्ड नहीं बनाता। अच्छा, ठीक है जी। हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है जी। ना कोई हमारा राशन कार्ड बनाता है, ठीक है जी। कोई सुविधा नहीं है, हमें तो कोई सुविधा है ही नहीं। सरकार पहले भी आई, ये भी आई, हमें कोई आम बंदे को कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये जो सरकारी मुलाजिम है उनके सब कुछ बना हुआ है, उनके जो जो कहते हैं राशन कार्ड राशन मिलता है उनको, वो भी बने हुए हैं, हमारा कुछ नहीं बना। अच्छा, ये बताइए यूपी के अंदर क्या है कि राशन फ्री है, गैस सिलेंडर फ्री है, लोगों के घर पर जगह जगह टॉयलेट बने, बिजली का, सड़क का, हर व्यवस्था है, करप्शन ख़त्म हो गया, बेटी बहनों को आते जाते लोग छेड़ देते थे एकदम ख़त्म हो गई, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। क्या वहाँ पर तो एकदम, जिससे हम सर्वे करते हैं हमारे सारे, आप न्यूज़ देखिए, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर तो लोग एकदम कहते हैं कि महाराज जी का शासन बहुत अच्छा है। क्या उसके बहुत शासन बढ़िया है उनका? अच्छा, यहाँ पर क्या भगवंत मान साहब वो काम नहीं कर पा रहे हैं? आखिर तो बूढ़ बहुमत, यहाँ कोई नहीं कर पाएगा, वो CM कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ नशा इतना बढ़ चुका है, ठीक है जी, काम कम है नशा ज़्यादा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो बंदा कहता है ना भी हाँ हमने वोटें डाली, सबने डाली भी, हाँ कुछ करके दिखाएगा, ये बंदे को मौका दो, इस बंदे को मौका दो। मैं तो कह रहा हूँ बहुत कम कर रहा है अभी, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है। जैसे गुंडागर्दी, ये वो लड़की छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चिट्टे वाले फ़ोन उठा के ले जाते, फ़ोन पर बात करते करते खोके ले जाते, कोई पकड़ता नहीं, किसी की मोटरसाइकिल गैप हो जाती है, क्या हो जाता है, बंदा कैसे नहीं, गरीब बंदा लेता है, बंदा मिनट में चिट्टे वाले लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर पंजाब का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ का सुधार हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, सुधार हो जाएगा। सही, अगर यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या आप उनको जिताएंगे? पहले तो मैं अभी वोटर कार्ड बनवाना, जो मेरी वोट सिर्फ उसी को डलेगी जो बंदा काम करेगा, जैसे उन्होंने काम किया यूपी में वैसे ही उनको वोटें डलनी चाहिए। अगर जहाँ आएंगे ना वो पक्का जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार में अगर हम शामिल करते हैं तो कोई क्या योगी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे उनको होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। क्या आपको लग रहा है कि जैसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके पहले सुखबीर बादल साहब थे या अब भगवंत मान साहब थे, क्या इन तीनों में अभी कोई फर्क नजर नहीं आया आपको या कुछ है? नहीं, भगवंत मान उनसे कई गुना बेटर हैं, ठीक हैं। अच्छा, जो उन्होंने वादे किए हैं काफी पूरे भी किए और आगे आने वाले टाइम में और भी पूरे करेंगे। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसमें क्या आपको लग रहा कि पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, कुछ इम्प्रूवमेंट भी है। और आपका क्या, जो बिजली के बिल उन्होंने माफ करने के लिए जो बोले थे उनके, वो भी हो रहे हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो मीडियम क्लास लोग उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ का शिकायत बड़ी तगड़ी हम देख रहे हैं कि नशाखोरी, क्या हकीकत में पंजाब में नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? हाँ जी, बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। कोई दिक्कत? कुछ वादे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। जैसे मेन जो था वो सड़कें गलियाँ वगैरह, चलो बिजली का तो उन्होंने हल कर दिया, बिजली का बिल 0 आता है, ये तो चलो मानते हैं, लेकिन गली सड़क टूटी पड़ी है, बारिश आने से पहले कोई तैयारी नहीं इन्होंने लोगों ने की। अच्छा, तो उस वजह से
सड़कों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, पानी की बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है, पानी घरों में घुस गया लोगों के, उसकी तैयारी इनको पहले करनी चाहिए। अच्छा अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और आ रही है बात बहुत ज़्यादा कि पंजाब में नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात सच्ची है। नशे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ सरकार की तरफ। अच्छा अच्छा, नशा वैसे ही बिक रहा है जैसे पहले बिक रहा था। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि नशा पहले से ज़्यादा हो गई? नशा तो देखो पिछले 15-20 साल से पंजाब में चल ही रहा है। अच्छा, और अब जाके बढ़ गया, कम होने की बजाय वो ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको दिखाया और अलग अलग लोगों से मैं जानना चाहा, अलग अलग लोगों की अपनी प्रक्रिया, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन एक बात जो सामने आई है वो ये आई है कि पंजाब में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तकरीबन जिन लोगों से मैंने बात किया इस बात की सब ने पुष्टि की है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने आपको न्यूज दिखाया है, अगर हमारा न्यूज आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।